स्टार्ट करी थी, फिर बीच में कोविड आ गया, हमने काफी उस पर काम किया भी है। सिद्धार्थ जी का प्रश्न था उस पर, और सिद्धार्थ जी आप है? हाँ सर, मैं हूँ। प्लीज सर, नमस्कार सर। रेल जो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था, वो कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ये क्या स्टेटस है, कब तक इसको यानी पूरा कर लिया जाएगा? और एक छोटा सा इसी से जुड़ा हुआ एक और है, जो जो एलएलपी और टेक्निकल कैटेगरी की जो भर्ती चल रही थी, जिसमें ट्रेनिंग होनी है, तमाम चीजें हैं, तो उसका क्या स्टेटस, क्योंकि अभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तमाम लोग परेशान है। जी सिद्धार्थ, आपका क्वेश्चन पर्टिनेंट है और एक लाजमी सवाल आपने पूछा है। एज फार एज रेलवे में हम अगर आप देखा जाए तो हमारे पास से जो हम लोगों ने अपने पोस्टों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी, इसमें कुछ एरियाज में कुछ हमारे जो सेंट्रल एडवर्टाइजमेंट्स निकले थे उसके हिसाब से हम लोगों ने लास्ट ईयर ग्रुप डी की भर्ती की थी। 1,43,000 वैकेंसी हमने भर दी थी, जिसमें 64,000 वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियंस की थी। लेकिन आपकी बात ठीक थी, कई सारे इसमें एएलपी, करीब 5,000 एएलपी अभी भी है, जिनको कि या तो वो ट्रेनिंग में है या वो अभी आ रहे हैं हमारे पास। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है, कई स्टेट्स में भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास कि ट्रेनिंग सेंटर्स अभी चालू नहीं है पूरी तरीके से। तो हम लोगों ने जहां जहां पे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके उनकी परमिशन लेके स्टेट गवर्नमेंट्स में हमने ट्रेनिंग सेंटर्स को चालू कराया है और एएलपीज की ट्रेनिंग कराई है, इसीलिए ये नंबर अब घटके इतना रह गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले एक महीने में ये भी सब लोग काम पे आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट दे विल बी जॉइनिंग द ट्रेनिंग। जैसे आप बता रहे हैं कुछ लोगों को अभी कॉल लेटर मिले हैं या मिलने वाले हैं, बट दे आर येट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। तो जो माइंड में दुविधा रहती है वो खत्म हो गई है। दे विल मोस्ट लाइकली बी जॉइनिंग ट्रेनिंग विद इन अ मंथ और अ मंथ एंड अ हाफ, डिपेंडिंग ऑन ये जिस जगह पे स्टेट गवर्नमेंट्स की हम लोगों के ऊपर खास तौर से उन्होंने ये कह रखा है कि ट्रेनिंग को अभी आप ना शुरू करें, लेकिन कोशिश यही है कि हो जाए। मुझे लगता है कि ये कोविड की इसमें पेंडेमिक में भी काफी कमी आ रही है, तो उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में सारे के सारे लोग जो बचे हुए लोग भी हैं वो भी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, और जिनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है जहां पे इस तरह का रोग नहीं है वो भी पूरा हो जाएगा। अब आपकी बात थी एनटीपीसी कैटेगरी की। एनटीपीसी कैटेगरी की नोटिफिकेशन जो हम लोगों ने निकाली थी, इसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, और एनटीपीसी कैटेगरी में हमारे पास जो वैकेंसीज थी करीब, ये मेरे हिसाब से करीब इसमें वैकेंसीज जो थी वो 36,000 थी। इसमें करीब करीब जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें करीब करीब मैं कहता हूं 1 करोड़ के करीब लोगों ने एग्जाम अपियर हो चुके हैं 7 फेजेस में। लास्ट का जो फेज था ये मई और जून वाला, ये अफेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दी कोविड। जैसे कि आपको मालूम है एग्जाम आप कॉमन लेते हैं जगह जगह पे एक ही टाइम पे एक ही दिन में, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा अभी सीबीएसई का एग्जाम है या बाकी जगह एग्जाम सब रुके हुए हैं। जैसे ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो हम ये जो बचे हुए लोग हैं इनको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे एग्जाम इनका। तो ये बेसिक एग्जाम इसलिए नहीं रुका है कि बेसिकली कोई और लिमिटेशन था, अगर होता तो हमने बाकी एग्जाम भी नहीं किया होता। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा का हम एग्जाम ले चुके हैं, ये इस बात का द्योतक है कि एग्जाम इज हेल्ड सीरियसली, पीपल आर अपियरिंग, और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही ये पेंडेमिक का मामला खत्म होगा, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का अपना अलग अलग है, ये जो आप जो करवा रहे हैं ये इसका नोडल आरआरबी चेन्नई है जो इसको दिया गया ये काम, तो वो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि कहां कहां पे जहां हमारे सेंटर्स हैं वहां पे क्या व्यक्ति आ पाएंगे। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे रिक्वेस्ट कैंडिडेट के भी आते हैं आरआरबी में कि अभी हम किसी भी पोजिशन में नहीं है आने के लिए, तो ये सबको नजर रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल तौर पर एग्जाम कराएं, क्योंकि आप भी समझेंगे कि कोई एग्जाम आपने जल्दीबाजी में करा लिया और बाद में आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ गए तो दैट इज ऑल्सो बी नॉट बी नाइस, बट आई कैन वॉन्ट टू अश्योर यू कि एग्जाम